साइन फिक्स और टैब फंक्शंस आज हम करेंगे। चैप्टर नंबर 5 हम कर रहे हैं। अच्छा, पहले साइन फंक्शन। साइन फंक्शन का काम जो मैथमेटिकल साइन होता है वो फाइंड करना होता है, ठीक है। वो साइन जो कि हम ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको फाइंड करने के लिए हम साइन का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। कोई भी एंगल हम ले लेंगे, ठीक है, उस एंगल को इस फंक्शन के आर्गुमेंट में पास करेंगे, ठीक है, इन्हें इस फंक्शन में डालेंगे तो क्या होगा कि उसका साइन निकल आएगा। फर्ज करें वो जो फंक्शन है वो एक्स है, वो जो एंगल है वो एक्स है, उसको अब हम क्या करेंगे कि उसको हम यहाँ पे जो बताया गया वो तरीका, इस तरीके से हम उसका साइन कैलकुलेट करेंगे। असल में ये रेडियन में हमें आंसर नहीं देता, रेडियन में आंसर लाने के लिए हमें इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे अपने प्रोग्राम में, तो पहले साइन लिखेंगे, फिर ब्रैकेट्स के अंदर पहले एक्स जो ये वो एंगल है जिसका हमने साइन फाइंड करना है, फिर आगे स्टार, स्टार मल्टीप्लाई के लिए स्मॉल होता है, ठीक है, उसके बाद पाई बाय 180, ठीक है। इस तरीके से हम साइन निकालेंगे, ये इसको सिंगल प्रिसीशन में इसका आंसर निकालता है, ठीक है, पॉइंट वाली वैल्यू निकालेगा जो कि थोड़ी छोटी होती है डबल प्रिसीजन के की नस्बत। फॉर्मेट इसका है साइन, आगे ब्रैकेट में हम एक्स लिख देंगे, ठीक है, एक्स के वाली जगह में हमने एंगल लिखना है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल मैं बताता हूँ। पहले हम पाई के लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, पाई की वैल्यू के लिए एक वैसे ही हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, फिर उसको यूज़ कर लेंगे। तो 10 पर हमने लिखा पाई इक्वल टू 3.14285720। 20 नंबर लाइन पर हमने लिखा प्रिंट साइन, आगे ब्रैकेट में लिख दिया एंगल जो है ना वो ये है 30, वो वैसे ही आगे लिख दिया, पहले भी लिख सकते हैं 30, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय पाई, क्योंकि पाई के हमने वेरिएबल यहाँ पुट कर देने, क्योंकि वैल्यू ऊपर हम उसकी बता चुके हैं, डिफाइन कर चुके हैं इसको। फिर आगे डिवाइडेड बाई 180, जब इसको रन करेंगे हम तो 0.9999, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर मैं आपको करके दिखा देता हूँ, पहले मैं ऑटो लिख देता हूँ ऑटोमेटिक लाइन नंबर एंटर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ पाई के नाम से और उसमें मैं स्टोर करता हूँ 3.14, पाई इज इक्वल टू 3.14। 20 नंबर लाइन पे अब मैं प्रिंट लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं साइन कैलकुलेट करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा साइन, आगे ब्रैकेट में पाई, क्योंकि पाई को पाई से हमने मल्टीप्लाई करना होता है इसमें, इसको रेडियन में करने के लिए पॉइंट मल्टीप्लाई बाय, अब वो एंगल डालेंगे जिसको फाइंड करना है, तो मैंने 30 डाल दिया और उसको डिवाइडेड बाय 180। 30 पहले भी लिख सकते हैं, पाई आगे लिख दें, इससे कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ब्रैकेट क्लोज़ की, अब इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ तो इसकी वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट होगी। अच्छा, इसी तरह दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं, जो दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, उनको भी हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, जैसा कि कॉस है, कोसेकेंट, टैन, कोटेंजेंट, ठीक है, ये सारे हम जो है वो इसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। उनके लिए फंक्शन डिफरेंट है, इससे मिलता जुलता तरीका ही है उनका भी। इनके लिए जो है कॉस के लिए कॉस आगे ब्रैकेट में एक्स आएगा, सीकेंट के लिए एस ई सी लिखेंगे ब्रैकेट में एक्स, फिर कोसेकेंट के लिए सी यू एस ई सी, फिर आगे ब्रैकेट में उसका जो एंगल है वो, फिर टेंजेंट के लिए टैन लिखेंगे और ब्रैकेट में एक्स आएगा, फिर कोटेंजेंट के लिए कॉट लिख के आगे ब्रैकेट में जो है वो अपना एंगल हम एंटर करेंगे, ठीक है, जहाँ पर एक्स लिखा है वहाँ पर हमने अपना एंगल एंटर करेंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है फिक्स फंक्शन। फिक्स फंक्शन जो है इसका काम ये होता है कि ये किसी भी नंबर के अंदर से उसका जो सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट है उसकी वैल्यू उठा लेता है, ठीक है, और पॉइंट के आगे वाली वैल्यू को ड्रॉप कर देता है, लेकिन वो उस नंबर को राउंड ऑफ नहीं करता, ठीक है। ऐसे नहीं है कि 3.9 है अगर तो उसको 4 बना देगा, नहीं, वो 3 को ही आउटपुट करेगा, ठीक है, 0.9 को ड्रॉप कर देगा। इसका फॉर्मेट है फिक्स, आगे ब्रैकेट में हम लिखेंगे एक्स, एक्स वाली जगह पे हम वो नंबर डालेंगे जिसको हम जिसका इंटीजर हमें चाहिए।
इसकी एग्जांपल ऐसे है कि हम पहले लिखेंगे प्रिंट, आगे फिक्स, और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया -7.09। इसको जब चलाएंगे तो सिर्फ -7 आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट फिक्स, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 7.09। चलो मैं सेम बुक वाले यहाँ पे बना देता हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे साथ माइनस भी लिख दी। जब मैंने इसको एंटर किया तो क्योंकि मैंने एज अ कमांड इसको इस्तेमाल किया तो -7 आउटपुट आ गया। ठीक है, पॉइंट वाली वैल्यू, पॉइंट से आगे वाली वैल्यू राउंड ऑफ होगी। यहाँ मैंने लाइन नंबर नहीं लिखे थे, ठीक है, इसलिए डायरेक्टली चल गया। अच्छा, लास्ट फंक्शन है आज का, वो है टैब फंक्शन। टैब फंक्शन में काम ये होता है कि हम स्क्रीन के ऊपर किसी खास जगह पे अगर जाके तो वहाँ पे अगर कुछ प्रिंट करना चाहे तो वो हम टैब के ज़रिए कर सकते हैं। जैसे स्पेस है, ये उसी टाइप की चीज़ ही है, ठीक है, लेकिन इसके ज़रिए हम बड़े बड़े फासले दे सकते हैं। यानी कि हम स्क्रीन के बिल्कुल राइट साइड पे अगर लिखना चाहे तो टैब फंक्शन की मदद से ये काम हम कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन की किसी भी लोकेशन पे टैब से हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं इस फंक्शन की मदद से। अच्छा, अब ऐसे है कि अगर हम बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे लिखना चाहते हैं स्क्रीन की, तो उसके लिए 0 यूज़ होगा। ठीक है, और अगर हम बिल्कुल राइट साइड पे लिखना चाहते हैं स्क्रीन की जो विड्थ है उसके बिल्कुल राइट साइड पे, तो फिर उसके लिए जितनी स्क्रीन की विड्थ हमने रखी हुई है वो नंबर यूज़ होगा। ठीक है, तो अब इसमें ऐसे है कि अगर हम वैल्यू इस तरह से डाल दें जो कि उसकी रेंज में है ही नहीं, ठीक है, यानी कि पूरी नहीं आ रही हमारी वैल्यू, तो उस सूरत में वो अगली लाइन पर फिर चला जाता है। ठीक है, जो टैब है, यानी कि अगर हमने फर्ज कर जो भी नंबर एंटर कर दिया, ऐसा नंबर है जो कि राइट साइड पे जा गया तो उससे भी आगे जा रहा है, ठीक है, बड़ी वैल्यू डाल दी तो उस सूरत में वो नेक्स्ट लाइन पर जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड इसका है टैब, आगे ब्रैकेट में एक्स, इस एक्स वाली जगह पे हमने वो नंबर लिखना है जितना हम जिस जगह पे हम प्रिंट करना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर। लेफ्ट से 0 है, फिर आगे 1, 2, 3, 4, बिल्कुल राइट साइड पे जो है वो फिर उसका जो विड्थ जितनी होगी उस हिसाब से होगा। 1 से लेकर 255 तक रेंज है एक्स की। ठीक है, एक्स की वैल्यू इसके अंदर होनी चाहिए। तो जिसमें पहले बताया कि अगर ज़्यादा कोई वैल्यू लिखेंगे तो जो कि एक लाइन पर ना पूरी आ रही है तो नेक्स्ट लाइन पर टैब फंक्शन उसको ले देता है। अच्छा, अब ये इसकी एग्जांपल है, प्रिंट हमने लिखा पहले, फिर पेरेंथेसिस में लिखा, क्वेश्चन मार्क में लिखा पाकिस्तान, फिर आगे हमने लिख दिया टैब, ब्रैकेट में 2 लिख दिया। ठीक है, अब ये 2 वाली जगह पे इसको प्रिंट करेगा, ठीक है, 2 स्पेसेस देगा, भी 2 यानी कि टैब्स देगा, बीच में जगह छोड़ेगा। इस माए आगे क्वेश्चन मार्क में लिखा इस माए, उसके बाद फिर लिख दिया टैब 4, अब यहाँ ज़्यादा फासला वो छोड़ेगा, ब्रैकेट में 4 लिखे टैब के फंक्शन में, फिर आगे हमने लिख दिया कोटेशन मार्क्स में कंट्री। इसको जब चलाएंगे हम रन करेंगे तो ये अब आखिरी लाइन पे देख सकते हो कि पहले पाकिस्तान आएगा, फिर जगह खाली, फिर इस माए, अब यहाँ पे ज़्यादा जगह खाली है क्योंकि यहाँ पे 4 था, ठीक है, और पिछले वाले में 2 था, फिर आगे कंट्री आ गई। ठीक है, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अच्छा, पहले मैंने लाइन नंबर 10 लिखा, ठीक है, 10 नंबर लाइन पे मैंने लिख दिया प्रिंट कोटेशन मार्क्स में पाकिस्तान, उसके बाद मैंने लिखा टैब 4, ठीक है, ब्रैकेट में 4 लिख दिए, और आगे मैंने कोटेशन मार्क्स में लिख दिया जिंदाबाद। इसको मैं अब रन करता हूँ। देख सकते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, यहाँ पे उसके पास लाइन ख़त्म हो गई थी, ठीक है, स्पेस में, तो इसलिए वो अगली लाइन पे चला गया। अल्लाह हाफ़िज़।